वन बाई थ्री डिवाइडेड बाई टू कैसे कैलकुलेट करें अभी हम सीखेंगे। वन बाई थ्री डिवाइड टू, या इसको ऐसे आप लिख सकते हैं वन बाई थ्री, और देखिए जो डिवाइड के चिन्ह के बाद की संख्या है, ठीक है, ये आपकी किस्म आती है बट्टे में, इसको हम क्या लिख सकते हैं ऐसे विन के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है, बट्टे एक। अब देखिए हम जानते हैं, क्या जानते हैं, कि यदि जो फ्रैक्शन आपकी डिवाइड में पड़ी है उसको यदि हम मल्टीप्लाई में लाएंगे तो उल्टी हो जाएगी। कैसे, यहाँ जो ऊपर संख्या वो आपकी आ जाएगी नीचे, यहाँ जो नीचे वो चली जाएगी ऊपर। तो वन मल्टीप्लाई वन, थ्री मल्टीप्लाई टू कितना गया सिक्स, तो ये कितना बनता है वन बाई सिक्स, यानी सिक्स का डिवाइड करना है किसमें, वन में। सिक्स का डिवाइड कब कर पाते हैं, जब दिए गए संख्या इससे बड़ा हो, क्या ये बड़ा है, नहीं है तो पॉइंट लेंगे, जीरो लिख देंगे। तो डिवाइड हो गया एक बार, कितना आ गया सिक्स, माइनस किया फोर आ गया, पॉइंट लगा रखा जीरो आ गया। सिक्स का टेबल सिक्स टाइम कितना आता है 36, माइनस किया फोर आ गया, पॉइंट लगा रखा जीरो आ गया, फिर सिक्स, फिर 36, फिर फोर, पॉइंट लगा रखा जीरो आ गया। इस प्रकार से 0.1666 ये ऐसे चलता रहेगा। अप्रोक्सीमेट इसको कितना लिख सकते हैं, 0.167 लिखा जा सकता है, ठीक है। कैसे, रिपीटेड नंबर जो है वो आपका ग्रेटर देन 5 है, तो हम जहाँ स्टॉप करते हैं वहाँ प्लस 1 करके लिखते हैं। ये बड़ी कक्षाओं के लिए, छोटी कक्षाओं वाले इतना ही समझे।